अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके मैसेंजर से वॉइस मैसेज ऑप्शन गायब हो गया है, मतलब यहाँ पर ये वॉइस मैसेज वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो में मैं आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वॉइस मैसेज ऑप्शन दोबारा लाने के लिए सबसे पहले आपने अपने फ़ोन सेटिंग को ओपन करना है। फोन सेटिंग ओपन करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर ऑप्शन है ऐप्स, ऐप्स पर क्लिक करें तो आपके फ़ोन में जितने भी ऐप्स है वो आपके सामने आ जाएगी। देन आपने इसमें मैसेंजर को ढूंढ लेना है। स्क्रॉल डाउन करें और नीचे आए हो, यहाँ पर मैसेंजर आ जाएगी, आपने मैसेंजर पर क्लिक करना है। मैसेंजर ऐप पर क्लिक करने के बाद आपने अब स्टोरेज पर क्लिक करना है। बैटरी के नीचे ऑप्शन है स्टोरेज, स्टोरेज पर क्लिक करें। देन यहाँ पर नीचे दो ऑप्शन आ जाएगी, एक है क्लियर कैश है और दूसरा है क्लियर डेटा। फर्स्ट क्लियर कैश है करें, देन क्लियर डेटा पर क्लिक करें। दोस्तों, ये सेटिंग करने के बाद आपने बैक करना है और अब प्ले स्टोर को ओपन करें। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सर्च करें प्ले स्टोर में मैसेंजर, देन मैसेंजर आ जाएगी। यहाँ पर फ्रेंड ये ओपन किए जगह होगी अपडेट, आपने मैसेंजर को अपडेट करना है। मैंने पहले से अपडेट किया है, तो फ्रेंड आप अपना मैसेंजर अपडेट करें। देन आपके मैसेंजर में ये वॉइस वाला ऑप्शन आ जाएगी। आपने ओनली मैसेंजर का डेटा क्लियर कैश और क्लियर डेटा करना है और देन मैसेंजर को अपडेट करें तो ये वॉइस मैसेज वाला ऑप्शन आ जाएगी। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।